कम उम्र का है, समझदारी की कमी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जो जो देता है उसका वो दिन घटने के बाद ही इस्तीफा देता है, उसका दिन तक गया। मांझी नेता बनने लगे, बने खूब अच्छा बात है, लेकिन रह रह के पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दे, विलय करने के लिए सही बात बोला। अगर मांझी का बेटा भाग ही गया, इस्तीफा ही दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तो दरबार खुला हुआ है, आना है तो आइए, जाना है। मांझी बहुत बड़ा नेता नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी जो है वो नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिए हैं, जिसके बाद बिहार में राजनीति खूब हो रही है। तमाम राजनीतिक दल के जो हैं अब बयान आने लगे हैं। आपको बता दें कि आगामी 23 जून को महागठबंधन की पटना में बैठक होने वाली है, और इस बैठक को लेकर कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब जदयू विधायक गोपाल मंडल का भी बयान आ गया है संतोष सुमन के इस्तीफे पे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनका कम उम्र है, उनके अंदर समझदारी नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू विधायक गोपाल मंडल, पहले आप पूरा बयान सुने। पुत्र मंत्री है संतोष मांझी, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जदयू हमारी पार्टी को विलय करना चाहती है अपने पार्टी में, इसलिए दबाव बनाया जा रहा था लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा, जो हम इस अपना इस्तीफा सौंपे हैं। क्या कुछ सर इसमें? देखिए, बतवा ये है, मांझी के लड़का जो है ना कम उम्र का है, समझदारी की कमी है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा जो जो देता है उसका वो दिन घटने के बाद ही इस्तीफा देता है, उसका दिन तक गया है। और मांझी का सवाल है, मांझी को नेता कौन बनाया? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने बनाया, तो मांझी नेता बनने लगे, बने खूब अच्छा बात है, लेकिन रह रह के पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दे, विलय करने के लिए सही बात बोला, विलय करना चाहिए। अगर मांझी का बेटा भाग ही गया, इस्तीफा ही दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महागठबंधन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है, यहाँ तो दरबार खुला हुआ है, आना है तो आइए, जाना है तो जाइए। लगातार महागठबंधन का जो बैठक होने वाला था 23 तारीख को, जो विपक्षी पार्टी का मुख्यमंत्री जी बुलाए हुए हैं, उस पर कुछ असर पड़ेगा सर? कौन चीज? कोई असर नहीं। मांझी बहुत बड़ा नेता नहीं है। 15 तारीख का जो महाधरना है महागठबंधन का, उसमें इस इस्तीफे के बाद असर कुछ पड़ेगा सर? नहीं कुछ नहीं पड़ेगा। आपने जदयू विधायक गोपाल मंडल को सुना, जिन्होंने जीतन राम मांझी पे बड़ा बयान दिया, संतोष सुमन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उनका उम्र अभी कम है, समझदारी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि खुला दरबार है, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जीतन राम मांझी को लेकर उन्होंने कहा है कि वह कोई बड़े नेता नहीं है, जिनके रहने या जाने से सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाली बैठक में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने संतोष मांझी को लेकर कहा है कि मांझी के बेटे कम उम्र के हैं, उनमें समझदारी की कमी है। कोई अपना इस्तीफा तब देता है जब वह जानता है कि उसका महत्व खत्म हो गया है। जहां तक जीतन राम मांझी की बात है, तो उन्हें नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को नेता बनाया है, ऐसा कहना है गोपाल मंडल का। गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, और अब संतोष मांझी के इस्तीफे पे भी उन्होंने बयान दे दिया है और कहा है कि मांझी को नेता बनाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।